बाजी, लगता है वो फिर आ गया। बुढ़िया कब तक बचाएगी इसे? वो क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मैं प्रॉमिस करता हूँ यही अंधेरे में पड़ा रहूंगा। साले आज कौन बचाएगा तुझे? नहीं बिल्ला, ऐसे मत करो, मुझे मत मारो प्लीज। बिल्ला नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, मुझे मत मारो। ये मारना अब इज्जत की बात बन चुकी है, अब तो तुझे किसी भी तरह मार डालूंगा, लेकिन तुझे इतनी अंदर रखे कि ये नानी को तुम्हें। नहीं बिल्ला, नानी को कुछ मत करना। बुढ़िया बड़े आराम से सो रही है ना तू, आज तुझे हमेशा के लिए सुला देता हूँ मैं। आप इतने रात को गाना काय को गा रहे लिए? मैं गाना नहीं गा रही हूँ, मैं चीख रही हूँ। तो आप चीख काय को रही है? वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। वो तो मेरी इच्छा थी। कौन घर में कोई घुस आया क्या? नहीं, किसी के घुसने की क्या जरूरत है? वो देव मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। शुक्र है नानी अब बच गई। ओह, मुझे बस इसी का डर था, वो बिल्ला बुरे बुरे काम करेगा और बनना भी मेरी होगी। नानी मैं कभी आपको मार सकता हूँ क्या? देव आपका गला धमाका? अरे क्या बात कर रही है, आपकी उम्र हो गई लगता है। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने अचानक आँख खोल के देखा तो छाते पर बैठ कर मेरा गला दबा रहा था। नहीं नानी, वो मैं नहीं था, अब कैसे समझाऊं? ओ नानी। वाह वाह माजी वाह, अपने नन्हे से पोते पर आप कितना अच्छा इल्जाम लगाती है ना, शर्म नहीं आती आपको? अरे अपने नन्हे से पोते को खूनी बुला रही है, आप सटिया गए लिए? अरे सत्य भाई मैं सटिया नहीं गई, देव सचमुच मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। वैसे ही ना जैसे आमिर खान मेरे साथ शादी मनाने की कोशिश कर रहा है। चुप। क्या बात कर रही है मैडम, वो बेचारा नन्ही सी जान, एक आप, वो आपको कैसे मार सकता है? अरे, अरे सत्या भाई, अगर तुझे झूठ लग रहा है ना, हाँ बुरा लग रहा है ना, तो जा दरवाजा खोल कर देख, देव से अचानक दानव बन गया है। एग्जैक्टली, वो दानव ही तो है। अच्छा मैडम, अपने घर में कितने सारे कमरे है ना, आप दूसरे कमरे में जाके देव सो जाओ ना, मैं देखती हूँ दानव को, देव को मैं देखती है। अरे नहीं, तू क्या कर रही है? दरवाजा मत खोल, वो तुझे भी मार डालेगा। वो मुझे मारेगा ना? मैं देख लेगी। आप दूसरे कमरे में जाओ, जाओ ना। भेजा घुमा रहे छोटा सा बच्चा, ऐसा बंद करके रखते क्या उसको कमरे में? और वापिस चीखना मत, संभालना। ए सत्या, तूने उस बुढ़िया को दूसरे कमरे में भेज कर अच्छा नहीं किया, मैं अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। चाकू, ये तो मेरे पसंद की चीज है। अरे दे बाबा, चाकू नहीं पकड़ने का, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बोला ना चाकू नहीं पकड़ने का। खून, परसों बाद खून देख रहा हूँ। बाप रे, सत्या भाई को मारने की कोशिश की, वो भी क्या दिन थे। मम्मी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, सब लोग मेरे लिए नई नई चीजें लाते थे, कितना प्यार करते थे सब मुझे। काश कि मैं फिर से बच्चा बन सकता। क्या मुझे यहाँ से कोई नहीं निकालेगा? ऐसा कब तक चलेगा? मम्मी। ये छोटी बात नहीं है माजी, एक छोटे बच्चे का ऐसा किसी को खून करने की कोशिश करना या बहते हुए खून को देख के खुश होना। अरे मुझे तो सुनकर ही अजीब लग रहा है, कितनी डरावनी बात है ना माजी। हाँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माजी। हाँ? मेरे को लगता है अपने देव बाबा पर है ना किसी भूत प्रेत का साया पड़ेला है, अपना देव बाबा पहला ऐसा नहीं था। अरे लेकिन ये कब तक चलेगा? अरे किस वजह से हो रहा है ये भी पता नहीं। मैं जिधर रहती है ना, हाँ? उधर एक खोली है। हाँ? वो खोली में एक अजीब सी औरत रहती है। हाँ? किसके साथ बातचीत नहीं करती है, लोग ऐसे बोलते हैं कि वो भूत प्रेत को भगाती है। हाँ, दूर दूर तक उसकी चर्चा है। अच्छा। हाँ? तो सत्य भाई तू उससे बात कर। हाँ?
अगर वो मेरे देव को अच्छा कर देगी ना तो मैं उसे मुंह मांगी रकम दे दूंगी। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। नहीं, इन लोगों को मत मारना बिल्ला प्लीज। ये देख, आओ मारो, मारो मुझे, सब बर्बाद कर दूंगा। अब क्या होगा, ये तो पागल हो गया है। देख बुढ़िया, ये ले, तोड़ फोड़ के रख दूंगा। देख ये टुकड़े, देखा? अरे अब क्या होगा, और मजा देखोगे, ये लो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, दोनों छोड़ो, मार दूंगा, काट दूंगा। छोड़ो मुझे, ए बुढ़िया, ये तो ए सत्या, मार दूंगा तेरे को, ए छोड़ो मुझे। नानी उसे पकड़ कर रखो, छोड़ना नहीं। बराबर बांधो। हाँ ठीक है, बाजी बांध दिया। जा, अब तू उस औरत को बुला के लेकर जा, 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 जल्दी। हाँ तेरे में नहीं आती है। तुम लोग सोचते हो कि तुमने मुझ पर कब्जा कर लिया है? आने दो उस तांत्रिक को, देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ लेगी वो। हाँ ए बुढ़िया, उस तांत्रिक का इंतजार मत कर, वो नहीं आएगी। आएगी, जरूर आएगी, तुझे खत्म करेगी। चल आजा, मेरी बात मान, मेरे को खोल, आजा जल्दी से आ। ये बात भी ना, खोल रस्सी, खोल जल्दी कर, जल्दी आओ, आओ, आओ। नहीं, मत खोलो उसे, मत खोलो। मैं कुछ सूंघ रही हूँ। लेकिन मैंने आपको सूंघने के लिए नहीं बुलाया। खामोश, खामोश। माजी, माजी, आपको कुछ बात आ रही है? नहीं, मेरे को तो नहीं आ रही है। शैतान, शैतान है यहाँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शैतान है यहाँ, वो भटकता रहता है, साधता रहता है। हाँ, मैं ही वो शैतान हूँ। मैं उसे यही भस्म कर दूंगी। हाँ, हाँ, जरूर करना, और मुझे आजाद भी करना। हाँ, मैं तुझसे नहीं डरती है, दुष्ट आत्मा, मैं तुझसे नहीं डरती, मैं तुझे मार कर ही रहूंगी। जा, बहुत देखे तेरे जैसे। निकाल, निकाल इस शिशु के बदन से बाहर, निकाल। नहीं निकलूंगा तो क्या कर लेगी बुढ़िया? निकल बाहर और मुझसे लड़, मुझसे लड़, ओ मुझसे लड़। माँ जी, मुझसे लड़। माँ जी, मेरे को देव बाबा से कम और इससे ज्यादा डर लगता है। हे पापी, मुझसे बात कर, हे पापी, मुझसे बात कर तू। चली जा, चली जा इस घर से, मैंने इस घर पर कब्जा कर लिया है, इस किस्म पर अब मेरा हक है, मैं ये जगह छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा। ये लाउडस्पीकर में से कौन बोल रहा है? मैं हूँ बिल्ला। बिल्ला, बिल्ला कौन? मैं एक खूनी हूँ। लोगों को मारना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन खुद मर जाना मुझे मंजूर नहीं है। मतलब अब जो आवाज सुन रहे हो आप डरो मत ना, मैं है ना आपके साथ। मेरी मौत की खुशियां मना रहे थे कि अब बिल्ला किसी का खून नहीं कर पाएगा। मैं बोल रही है, ये फ्लैशबैक में काय को जा रहे है, इसको पूछो ना वो इधर क्या कर रहे है। मुझे अपना काम करने दे जादू करनी, इन दो बेवकूफ औरतों की बात तो कुछ और है, लेकिन तू, मुझे लगता है कि ये आत्मा हम दोनों को बेवकूफ बुला रही है। माँ जी, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है ना, लेकिन छोड़ो ना, भूत लोगों से कौन पंगा लेगा। हाँ, चुप बैठो। ये आत्मा इस बालक के शरीर से बोल रही है। हाँ, लेकिन वो आत्मा देव में पहुंची कैसे? ये, अरे मूर्ख, उन्हीं की आत्मा
मुझे। ओ तो देवा, तो लेकिन तो हमारे देव बाबा की आत्मा किधर है? हाँ, मैं यहाँ हूँ, इस गुड़िया में कैद हूँ, बचा। होगी, होगी, होगी। यहाँ, कहाँ? यहाँ, यहाँ कहीं होगी। भूत आंटी, यहाँ ये बॉक्स के पीछे, यहाँ हूँ। मिल गया, मिल गया, मिल गया। इस गुड़िया में है तुम्हारे देव की आत्मा। इस गुड़िया में? यानी कि ये मेरा देव है? हाँ, दे दो, दे दो, दे दो। अरे मेरा बच्चा, मेरा देव। लाओ, अरे मेरा देव। मुझे दे दो। क्यों? मुझे दे दो। तुझे उससे बातें करनी है। संभल के, मैं बोल रही थी देव बाबा हमसे बात नहीं कर रहे, तो आपसे कैसे करेगा? हाँ। तुम बेकार की बातें क्यों कर रही हो? नहीं करेगी, गलती हो गया, सॉरी। आई शपथ वापिस नहीं करेगी। माँ जी, देखा मेरे को कैसा डांट रही ली है, खुद क्या भूत से कम है? देव, बोलो देव, क्या तुम इस गुड़िया में हो? बोलो, मुझसे बातें करो देव, बातें करो। हाँ भूत आंटी, मैं इसी गुड़िया में हूँ। बिल्ला ने मुझे धोखा दिया, फुसलाकर इस गुड़िया में बंद कर दिया। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज आंटी, भूत आंटी। देखा, वो मुझसे बातें कर रहा है। माँ जी, मेरे को लगता है ये लंबी लंबी फेंक रैली है। नहीं, वो बिल्ला खूनी का आवाज एकदम लाउड स्पीकर माफिक और अपना देव बाबा का वॉल्यूम इच रही। अरे मूर्ख, जो सब मैं सुन सकती हूँ तू कैसे सुन सकती है? क्या मुझ पे विश्वास नहीं है? तो मैं जाती हूँ। नहीं प्लीज भूत आंटी, आप मत जाओ, मुझे बचा लो आंटी प्लीज। नहीं नहीं देव, मैं नहीं जाऊंगी। थैंक यू भूत आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो सिर्फ तुम ही बता सकते हो। बोलो, बिल्ला ने तुम्हें क्या करने को कहा था? जब तुम्हारी आत्मा इस गुड़िया में डाली तब बिल्ला ने तुमसे क्या क्या करवाया? बोलो, 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 बोलो देव, मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो देव। हाँ, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ भूत आंटी। वो बिल्ला है ना, उसने। चुप हो जा देव, नहीं तो खत्म कर दूंगा तुझे। पोता वापस आ गया है। अरे वापस आ गया। अरे वाह। और वो आत्मा? अरे वो इस गुड़िया में गई है। तो फिर इसका क्या करेंगे? अरे तो खिलौना है, ये खिलौना है मूर्ख, इस खिलौना का क्या, ये तो कभी भी टूट सकता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मुझे जादूगरनी, मैं चला जाऊंगा, छोड़। देखा दोस्तों, इस सब के बाद मैंने ये जान लिया कि बच्चा रहने में ही मजा है। आप लोग किसी भी अजनबी की बातों में नहीं आना, वरना पछताना पड़ेगा। बाय।